हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की मुंगौड़ी। मूंग की दाल से मुंगौड़ी बनती है, ये अच्छी कुरकुरी आती है, ये खाने में बढ़िया सा स्वाद आता है और इसको नाश्ते में स्नैक्स में ले सकते हैं आप सब सर्दियों में, या कभी भी आपका मन है तो आप ले सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत झटपट से बन जाता है मूंग दाल की मुंगौड़ी। एक घंटे के लिए आप मूंग की दाल फुला दें, इसके बाद उसको ग्राइंड कर लें और बस बनाना शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ये मूंग दाल ली है, छिलके वाली, बिना छिलके वाली है ये, एक छिलके वाली भी होती है, उसमें काफ़ी मेहनत होता है, उसका छिलका निकालना होता है, तो मैं बिना छिलके वाली ली हूँ। इसको मैंने एक घंटे से फुला दिया था, ये फूल चुका है। अब इसको मैं क्या करने वाली हूँ, मिक्सी में इसको पीस लूँगी। और इधर लिया मैंने प्याज, बारीक कट कर लिया है, लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट बना लिया है मैंने, और ये हरा धनिया इसको बारीक कट कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने मूंग दाल को पीस लिया है इस तरह से। अब इसमें मिक्स करेंगे प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरा धनिया। और इसमें ऐड किया है मैंने बेसन, 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड किए हैं लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल खाते हैं। और इसमें ऐड किया मैंने हल्दी, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून, और इसमें ऐड किया है स्वाद के अनुसार नमक। बस इन सबको मिला लेंगे। चाय के साथ स्नैक्स में ये काफ़ी कुरकुरी और स्वादिष्ट मूंग दाल की पकौड़ी बहुत ही टेस्टी आती है गाइस। आप सब ज़रूर बनाएं स्नैक्स में। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसमें अब मिलाने वाली मैं अजवाइन, 1 टीस्पून अजवाइन, और थोड़ा सा कसूरी मेथी। इससे भी काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा हमारे मूंग दाल मुंगौड़ी में। और बस मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे सब कुछ। इसमें थोड़ा सा मैं मीठा सोडा भी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी मुंगौड़ी अच्छे से फूल सके। चुटकी भर आप सब भी मिला सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं।
ऑयल को मैंने किया है गरम, फिर तो गरम हो रहा हमारा ऑयल। तो इसको चेक करते रहेंगे, ऑयल हमारा गरम होना चाहिए। तो ये देखिए हमने चेक किया है, ऑयल हो चुका है हमारा गरम। इसमें इस तरह से स्पून की सहायता से हम डालेंगे, आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं। मैं स्पून से इसमें डाल रही हूँ ऑयल में। तो बस इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छी कुरकुरी हमारी मूंग दाल की मुगोड़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे। बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया सा कलर आ चुका है और बहुत टेस्टी कुरकुरी बनी है गाइस। और कितना आसान है बनाना। अब हम दूसरा बैच डालेंगे इसमें इसी तरह से। देखिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। तो काफ़ी कुरकुरी क्रिस्पी मूंग दाल पकौड़ी हमारी बन के तैयार हुई है, मुगौड़ी जिसे कहते हैं। तो गाइस अगर आप सब मेरे चैनल में नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके बताएं कैसा बना है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं अंदर से भी काफ़ी कुरकुरी और स्वादिष्ट बनी है। तो बस इसी तरह से बनाना है, बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जब भी आप चाय पियेंगे तो स्नैक्स में यही लेंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।